बच्चों की बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग खासी एहतियात बरत रहा है। जहां पर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सर्दी का मौसम तेजी से बढ़ रहा है और सर्दी में बच्चों को निमोनिया की बीमारी ज्यादा होती है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि सभी बच्चों की सर्दी से देखभाल करें और उन्हें कहां से सर्दी खांसी के लक्षण नजर आने पर तुरंत ही शिशु रोग चिकित्सक को दिखाकर परामर्श ले। किसी मेडिकल की दुकान से दवा लेकर बच्चों की हालत और खराब न करें। स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि डेंगू से निपटने में प्रशासन पूरी तरह सक्षम है और अब डेंगू पूरी तरह समाप्त हो चुका है, जिसके निराकरण की लड़ाई में जिला प्रशासन के साथ नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर सहयोग किया है और मच्छरों का लार्वा नष्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब डेंगू से जिला सुरक्षित है। अब इसकी क्या स्थिति है, क्या उपाय चल रहे हैं? निश्चित रूप से शहर में डेंगू का प्रकोप एक समय बढ़ा था, लेकिन जन जागृति से लोगों को जागरूक किया गया, लार्वा विनष्टीकरण किया गया, जागरूकता अभियान चलाया गया, प्रशासन राजनीतिक सहयोग मिला, लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि डेंगू के मामलों में पर्याप्त रूप से कमी आई है। एक समय था जहां पीआरपी और एसडीपी के लिए मारामारी थी, अब वैसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी भी लगभग 3-4 केस निकल आ रहे हैं। अभी कल भी शायद 5 या 6 केस निकले हैं। तो हमें सावधानी बरतना है, 15 दिन के लिए बहुत सतर्क रहना है, हम डेंगू से पूर्णतः मुक्त रहेंगे। मशीन छिड़काव करती थी, आजकल देखी नहीं जाती है, अभी छिड़काव चल रहा है क्या? बिल्कुल, छिड़काव जहाँ जहाँ सघन बस्ती हैं, जहाँ पर केसेस मिल रहे हैं, उनके 100 मीटर दायरे में कीटनाशक और लार्वा साइडल्स का छिड़काव किया जा रहा है, और जहाँ भी हमें लग रहा है जागरूकता हेतु हम विशेष अभियान चला ही रहे हैं। मेरा आप लोगों के माध्यम से अभी जो वर्तमान ज़रूरत है वो कोविड के वैक्सीन के सेकेंड डोज के लिए है, क्योंकि हम सेकेंड डोज में भी लगभग 50% हासिल कर चुके हैं और कोविड से आप लोग देख रहे होंगे लगभग 0 केस, 1 केस ऐसे आ रहे हैं। ये आप सभी के सहयोग से ही हुआ है। अगर इसमें थोड़ा सा और लोगों को जागरूक कर सकें और हम सेकेंड डोज को भी 100% लगा सकें तो मुझे लगता है कि तृतीय लहर हम नहीं आने देंगे। सर, जब से मार्केट खुला है देखा जा रहा है कि खुले में समोसे आलू अंडे बिकते हैं, इससे ही बीमारी चालू होने वाली है, तो आप लोग कुछ नगर निगम के लिए या कुछ इसका लोगों को नहीं बोलना चाहेंगे? देखिए कि बंद होने के बाद जब हमें आज़ादी मिली, आज मैं आपके सामने बिना मास्क के, दूरी बना के बिना मास्क के बोल रहा हूँ, शायद घुटन से शायद मैं भी प्रभावित हुआ हूँ, तो आम व्यक्ति भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है और अपने रोज़मर्रा के कार्यों में अब लगना है। तो अब चूंकि त्योहारों का भी पर्व है, हम लोगों को घर में नहीं बांध सकते, हमारा प्रयास है कि सब जागरूक रहें, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। और खुला पदार्थ मिल रहा है, समोसे आलू मंडी जो खुले रहते थे, मक्खी मच्छर रहते हैं, उससे भी बीमारियां बढ़ रही हैं। निश्चित रूप से नगर निगम के लिए आपने कोई पत्र या लोगों को कुछ कहना नहीं चाहिए? जो आपने मुझे अवगत कराया है, निश्चित रूप से हमारा विभाग भी इस पर ध्यान देगा। हम अपने खाद्य विभाग को नगर निगम से निवेदन करेंगे कि ऐसी अगर कहीं पर अमानक वस्तुएं विकृत की जा रही हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, कौन सी बीमारी देखी जा रही है और विक्टोरिया क्या व्यवस्थाएं कर रहा है उसके लिए? बिल्कुल, बच्चों में जैसा बीमारी बहुत सारी होती हैं, लेकिन उन पर मौसम का बहुत ज़्यादा असर होता है। अभी सर्दी की शुरुआत हो चुकी है और सर्दी में बच्चों में निमोनिया जो एक बीमारी होती है, मैं ये कहूँ कि लंग से संबंधित ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, तो इस स्थिति से निपटने के लिए मैं सभी पेरेंट्स के सलाह देता हूँ कि बच्चों को सर्दी से बचाया जाना, क्योंकि ये बीमारी 2 साल से नीचे के बच्चों में ज़्यादा होती है, तो उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है। ये मेन सावधानी वही है कि इस समय सर्दी स्टार्ट हो चुकी है, सर्दी से बचाना है, और अगर किसी बच्चे को कुछ बीमारी होती है तो केमिस्ट से सीधा दवाई न लें और एक वरिष्ठ शिशु रोग चिकित्सक या शिशु रोग चिकित्सक से पूछकर उनको बच्चा दिखाकर ही दवाई लें। मैं डॉक्टर कमलेश कुमार वर्मा, 40 स्पेशलिस्ट, विक्टोरिया हॉस्पिटल, जबलपुर। बहुत बढ़िया। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष वात्री की रिपोर्ट।